बात की हुई जिंदगी ले चलें। आजकल हम लोग रोजेदार हैं, रोजों के शरीक हैं। आज 5 तारीख हो गई है और चौथे रोजे में आज हम शरीक हो रहे हैं। 40 रोजों का ये सफर है और ज़रूरी नहीं है कि हम 40 के 40 रोजों में रहें। कोई एक कर लेता है, कोई दो कर लेता है, कोई 4 कर लेता है, कोई 6 कर लेता है, जैसे जिसका मन गवाही देता है वैसे ही हो जाता है। तो आजकल हम अपने आप को उस यात्रा में पा रहे हैं जो उस कच्छमनी बाग से शुरू होकर के और गुलगुता की पहाड़ी तक पहुंचती है। उस सफर में है, उस यात्रा में है और वो यात्रा आपकी सफल हो जाए, आप खुदा को मंजूर हो जाए, खुदा आपकी इबादत को मंजूर कर ले, उसके बदले में तमाम खुशियां वो आपको दे दे, हमें उसकी दरकार, हमें उसकी ज़रूरत। आज मैं फिर से आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों का इकरार करें, खुदा के सामने उन्हें माने, उनका अंगीकार करें और अपनी गलतियों का पश्चाताप करें। लेंट के दिनों में सबसे ज़रूरी होता है कि हम पश्चाताप करें, अपने जीवन में अपनी गलतियों का इकरार करें खुदा के सामने, तब वो आपको बहुतायत की ज़िंदगी देने की सामर्थ रखता है। बहुत दिन हो गए मैंने आपके साथ योना नबी का जिक्र किया था कि वो नीनवे में भेजा गया लेकिन तर्शिश को भाग गया, और वो नीनवे में कैसे पहुंचा वो आपको पता है, वो मैं बयान नहीं करूँगा। उसके बाद जब उसने जाकर के नीनवे के नगर में प्रचार किया, जब उसने लोगों को देखा तो लोग वहाँ के लोग पश्चातापी नहीं थे, बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी बातें, खुदा से बहुत दूर। जब भी करना है तो गलत ही करना है, जब भी बोलना है तो झूठ ही बोलना है, ऐसे लोग थे वहाँ। अब वहाँ पर जा करके इस पश्चाताप के बारे में क्या विचार हो रहा है वो मैं बयान करूँगा आप लोगों के साथ। वो जब नीनवे में प्रचार करने के लिए आया तो नीनवे में जाके लोगों को उसने प्रचार किया। अब वहाँ पर नीनवे के लोगों में इन्हीं 40 दिनों का प्रचार हो रहा है, आज आपके बीच में भी 40 दिनों का प्रचार हो रहा है, पश्चाताप का प्रचार हो रहा है। और योना नदी की किताब लिखा है उसका 3रा अध्याय लिखा और उसकी 4वीं आयत बयान कर रही है कि उसने मुंह खोल करके लोगों को प्रचार किया कि 40 दिनों के बाद ये नीनवे शहर जो है वो गिरा दिया जाए। 40 दिनों के बाद, इसलिए इन 40 दिनों में पश्चाताप करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर ले आओ, तब खुदा की बरकतें आप पर होंगी, वरना नहीं होगी। 40 दिनों के बाद ये नीनवे शहर जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तब लोगों ने उस कलाम को सुना, उस कलाम पर विश्वास किया और सारे बड़ों से लेकर के छोटों तक ने उस रोजे के प्रचार को सुना और अपने शरीर पर काट ओढ़ लिए और राह पर बैठे। खुदा का कलाम बदल देता है, खुदा का कलाम जिंदगियां बदल देता है। एक मिनट में, एक सेकंड में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप खुदा के लोग हो सकते हैं, आप खुदा की आशीष में, आप खुदा की बरकत में, आप खुदा के
सिंहासन के साथ वाले सिंहासन पर बैठ सकते हैं। शर्त ये है कि हमें पश्चाताप करना, हमने अपने गुनाहों का इकरार किया। पढ़िए, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, उलट पलट कर दिया जाएगा, पलटा फेर दिया जाएगा आज से 40 दिन के बाद। इसलिए खुदा का कलाम उनसे कहता है कि इन 40 दिनों में पश्चाताप करो, उपवास करो, रोजा करो, खुदा के सामने गिर गिराओ। तब ये प्रचार राजा तक पहुंचा। पांचवें पद, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, खुदा के वचन की प्रतीति की, खुदा के वचन पर विश्वास किया। आज अगर मैं सवाल पूछ लूं कि आप में से कितने लोग वचन पर विश्वास करते हैं, लोग टीका टिप्पणी ज्यादा करते हैं, वो कलाम को समझते नहीं है, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मेरे कलाम पर विवाद विवाद नहीं होना चाहिए, मेरे कलाम पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मेरा कलाम जो है हाँ और आमीन में पूरा होता है। आपके सामने ये दो सिस्टर्स खड़ी रहती हैं, वो कलाम पर मोहर लगाती हैं। जो कुछ मैं कहता हूँ वो कलाम से पढ़ा जाता है। इस पर वाद विवाद करना मेरा और आपका काम नहीं है। हाँ और आमीन में हाथ जोड़ करके उसे कबूल किया जाता है। जितनों ने खुदा के कलाम को सुना, उस पर विश्वास किया, और जब आगे क्या लिखा है, टाट ओढ़ लिया और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़ों से लेकर के छोटों तक अपने जिस्म पर टाट ओढ़ लिया, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को दरिद्र कर दिया, अपने आप को खुदा के सामने नीवा कर दिया है। जब राजा के कानों तक कलाम पहुंचा, और राजा लोग कांपते हैं खुदा के कलाम से, वो थरथराते हैं खुदा के कलाम से, थरथराते हैं वो, खुदा के कलाम को मानते हैं। जब खुदा का कलाम वहां के नीनवे के राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राजकीय वस्त्र जो है वो उतार दिए, राजा ने टाट ओढ़ लिया, वो दीन हो गया, वो दरिद्र हो गया, और उसने हुक्म किया, और उसने हुक्म किया, और ढंढोरा पिटवा छेड़ियां कर दी गए। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राख पर बैठ गया, राजा लोग राख पर बैठ जाते हैं, नीले हो जाते हैं। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की कहानी है, जो आप लोगों के बीच में कही जाती है, सुनाई जाती है। तब उसने ढंढोरा पिटवा दिया, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, सारे लोग ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, रोजा रखेंगे और खुदा से पश्चाताप की दुहाई देंगे, ऐसा लिखा हुआ। पढ़िए साथियों, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। आदमी तो क्या है, राजा तो क्या है, जानवर ही उसका कहना मान, जानवर भी उपवास रखते, जानवर भी पश्चाताप करते, क्या मनुष्य, क्या जानवर, सबसे पहली बात है कि दुहाई दे,
क्या आदमी, क्या राजा, क्या वजीर, क्या प्रजा, सब लोग खुदा की गुहाई दे। दूसरी बात, वो अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं। तीसरी बात, वो जो अपनी जिंदगी में उपद्रव करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, फसाद करते हैं, चुगली चकारी करते हैं, अपने कामों में कोताही करते हैं, वो पश्चाताप कर। आठवीं है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमारक से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करे। पश्चाताप करे। तीन चार दिनों से उन्वान यही है कि आप पश्चाताप करें। ये पश्चाताप के दिन हैं। जंगल में परीक्षा की गई, उपवास रखा गया, हम उस यात्रा में शरीक हो गए, खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। ये सारी बातें मैं सोमवार से आगे पेश करूंगा, लेकिन आज तक जो मेरा विचार है यही है कि मैं आप लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार करूँ। लोगों के सामने नहीं, अपने खुदा के सामने पश्चाताप कर, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, रोजे का दिन ठहरा दो, महासभा का प्रचार करो, बुजुर्गों को बुलाओ, बच्चों को, जवानों को, सारे देश के लोगों को इकट्ठा करो और खुदा की दुहाई दो और पश्चाताप करो। योएल नबी की योएल होशे से आगे जाकर योएल 1:14, रोजे का दिन ठहरा दो, महासभा का प्रचार करो, बुजुर्गों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, जवानों को बुलाओ, सारे देश के लोगों को बुलाओ, उन्हें इकट्ठा करके खुदा के नाम की दुहाई दो। ऐ खुदावन मुझे माफ कर दे, ऐ खुदावन मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊं, अपनी बरकतों वाला हाथ मुझ पर रख दे, मुझे अपने अनुग्रह में ले ले। ये चार पांच बातें हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। एक ही चौड़ा, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पूर्णियों को वर्ण, देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो और दुहाई दो। और ये खुदा का कलाम है, अभी और इसी वक्त सुनो। रोजे के वक्त आंसू बहाते हुए पूरे मन से फिर करके खुदा के पास लौटा, अपने वस्त्र नहीं, अपने मनों को चाक करो, अपने मनों को खोल दो, अपने दिलों को खोल दो और परमेश्वर यहोवा की तरफ फिरो, क्योंकि खुदावन अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो क्रोध में धीमा है, वो करुणा निधान है, आप लोगों को माफ कर दे। यह नबी की किताब है, उसका 15वीं आयत पर ध्यान देंगे। दूसरा आयत, सियोन में नरसिंगा फूको, हर एक जगह पर जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां पर नरसिंगा फूको। आज यहां पर नरसिंगा फूका जाएगा। उपवास का दिन ठहराओ, रोजे का दिन ठहराओ, पश्चाताप करो, खुदा की दुहाई दो, अपनी आंखों को नम करो। रोजे का दिन ठहरा दो, लोगों को इकट्ठा कर लो, सभा को पवित्र कर दो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ जाए। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है, आप लोगों के बीच में सुनाई जा रही है। 15:2-15, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोग
छोड़नी पड़ेगी। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, दूध पीते हुए बच्चों को भी ले आओ, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ जाए। तो ये ऐसे लिखा हुआ, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहा जाएगा खुदा के कलाम से कहा जाएगा। खुदा का कलाम जब जब जैसा जैसा मिलेगा वो आप तक सुनाया जाएगा। ये जज को, ये खुदा के लोगों, तुम भी अपने जिस्म पर टाट ओढ़ो, ये टहलुओं, खुदा की वेदी पर काम करने वालों, खुदा को पुकारो और आकर के मेरे साथ एक रात तो गुजारो, एक दिन तो मेरे साथ रहो, एक पल तो मेरे साथ रहो, मेरे रोजेदार बन जाओ, मेरे साथ रहो, मेरी बातों में रहो। खुदा कितना प्यारा खुदा, कितना रहम दिल खुदा, उसने उफ तक नहीं की। हर एक कोड़ा उसके जिस्म पर आपकी वजह से पड़ा हुआ, एक एक कोड़े से बहने वाला लहू वो आपकी वजह से बहा है, मेरी वजह से बहा है, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आखिरी आयत पे हूँ, आपको ज्यादा इजाजत नहीं देता कि मैं और आगे जाऊं, पर जैसे खुदा की मर्जी है वैसे पूरी हो। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे बीच में हूँ। आखिरी आयत में यह नबी खोला हुआ आपने तो भी सच्चा, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, कोई और नहीं हूँ, कुछ और नहीं हूँ, मैं खुदावन हूँ, मैं यहोवा, मैं लीडर, आई एम प्रोवाइडर, आई एम योर सेवर। और मेरी प्रजा, मेरे लोग, मैं तुमसे आज कहता हूँ कि तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार हमेशा पूरे होते रहे, तुम्हारी आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी, आपकी आशा, आपकी उम्मीद फिर कभी नहीं टूटेगी। ये खुदा का वादा है। आज नरसिंगा फूका जाएगा, आपको बताया जाएगा कि खुदावंद खुदा आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा करेगा, आपके दिल के सारे ख्यालों को पूरा करेगा, आपको चढ़ती कला में रखेगा, आपको ऊंचाइयों पर रखेगा। शर्त ये है कि इन दिनों में पश्चाताप करो, अपनी गलतियों का अंगीकार करो, अपने गुनाहों को मान लो, मैं गलत हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे खुदा।